एक बार खींच दे, लगा दे 300। और विदाउट वाइजर ऐसी लगती है कुछ 10R। भाई पल्सर की ना 150 की स्क्रीन आती है, 14,000 की स्क्रीन। ताबा तोड़ फाड़। तो वन पे सेट करा है, पावरफुल है। कैसी लग रही है? तो बता दूं भाई, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। इसके हिडन फीचर आपके भाई ने अनलॉक करने हैं बहुत सारे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पीछे भाई लगी है अपनी ZX10R 2022, जिसको भी नहीं पता बता दे रहा हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़। आज बहुत दिन के बाद निकाल रहा हूँ, पूरी की पूरी 100 किलोमीटर चल गई है। और आज इस पे डालने वाले रेसिंग वाली स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, जबरदस्त स्क्रीन है ये। देखो भाई, जो कि क्विक की मंगाई है, खर्चा चालू हो गया है। और ये स्क्रीन मुझे भाई लगभग 13-14 हज़ार में पड़ी है। भाई आप लोग सोच रहे हो कि इस पे क्या है, अरे भाई सुपर बाइक है, पार्ट्स महंगे होते हैं, तो इसको भी घर पे इंस्टॉल करते हैं, बिफोर आफ्टर के लुक भी दिखा देंगे। तो यार बाइक नेक्स्ट लेवल की, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो भाई अभी दिखाता हूँ। भाई साहब, ये अपनी ZX10R लगी हुई है, और यहाँ पे ये वाली जो स्क्रीन है, ये स्टॉक है, ये थोड़ी छोटी रहती है, प्लस ट्रांसपेरेंट है। तो ये अभी चेंज करेंगे। बाइक की लुक देखो यार, क्या लगती है भाई, मतलब रोबोट लगती है, रोबोट पूरी हैश टू की छोटी भाई लगती है, देख लो। और स्टीयरिंग डैम्पर वगैरह आप लोगों को तो सब कुछ बता रखा है मैंने, तो इसको भी चेंज करते हैं, खोलते हैं। और ये वाला भी आज हटा देंगे, नंबर प्लेट वाला, क्योंकि ये थोड़ी लुक खराब कर रहा है। तो और फटाफट इसको चेंज करते हैं भाई। ये स्क्रीन है, इसको लगा के और चेंज कर देते हैं भाई। ये क्विक की मैंने बता रखा है भाई, पल्सर की ना 150-200 की स्क्रीन आती है, 14,000 की स्क्रीन। तो फटाफट सारे नट को खोल के इसको इंस्टॉल करते हैं। स्टॉक स्क्रीन पे ये है कि भाई देखो, यहाँ से बाहर अंदर बाहर दिखता है, और ये थोड़ी सी छोटी है, आप लोग एक बार देखो भाई, ये उतनी उठी हुई नहीं है, बाइक उतनी बल्कि नहीं लगती है इस पे, देख लो। तो भाई ये देख लो, ये स्क्रीन खुल गई है। तो भाई देख लो फर्क कितना है दोनों स्क्रीन पे, ये बहुत छोटी है और भाई हल्की भी है, ये हैवी है। तो भाई यहाँ पे लगने वाली है नई स्क्रीन। पहले प्यूक की स्क्रीन लग गई है, लोगों मैंने लगा दिया, इसको अभी निकाल देंगे। बाकी यहाँ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लो अभी हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। और बाइक यहाँ से भी काफी बल्कि लग रही है, बड़ी बड़ी लगने लग गई है। और थोड़ा बहुत यहाँ से अभी रात को तो नजर नहीं आएगा, दिन में तो पूरा यहाँ से विजिबिलिटी ओके रिपोर्ट है। तो देख लो अभी, चलो भाई आप लोगों को रोड का एक बार व्यू दिखाते हैं। हाँ जी, कैसी लग रही है? मस्त भाई। ठीक है भाई, इसका रिएक्शन देखो कैसा है। मस्त भाई। हायाबुसा की 10R। तो भाई बच्चों ने भी 10R को बोल दिया 10R मतलब 10R। तो भाई साहब ये देख लो, ओ हो हो हो, प्यूक की स्क्रीन के साथ लुक देख लो, ताबा तोड़ फाड़। भाई साहब ये देख लो, मॉन्स्टर लग रही है, मॉन्स्टर। तो आज आपके भाई ने इसको बहुत मुश्किल से यहाँ पे देख लो, Rider 1 लिखा हुआ है, तो Rider 1 पे सेट करा है, पावरफुल है, KRTC 1 है, KEBC है, QAS है। भाई ये सब करेंगे बाद में बातें, भाई इतने फीचर्स हैं, कुछ मैंने भी अनलॉक करे, हिडन फीचर्स बताऊंगा आप लोगों को, जो कि आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो बता दूं भाई, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। इसके हिडन फीचर्स आपके भाई ने अनलॉक करने हैं बहुत सारे। अरे बाप रे बाप, भाई साहब क्या है, कैसी लग रही है भाई स्क्रीन कैसी लग रही है बता दो एक बार। तो आज छोटा सा व्लॉग करा था भाई 10R पे आप लोगों के लिए, मस्त लग रही है भाई बाइक, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और ये स्क्रीन लगने के बाद ना बाइक हैवी हो गई है पूरी की पूरी। और पावर मोड देख लो इधर क्या है, राइडर पे सेट करा हुआ है, ठीक है, बहुत मतलब क्विक है यार बाइक। और ट्रैक्शन इसका 1 पे सेट करा है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा भाई इसका क्या सेटिंग है, क्या है।
ओ हो डर लग गया यार, डर लग गया। पता नहीं यार इसको लोग कैसे भगाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लोग भगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है यार, बहुत ज़्यादा, इतनी जोर खींच रही थी। एक बार खींच दे, लगा दे 300। भाई साहब कुछ नहीं है भाई, इसके सच बता रहा हूँ। आपका भाई हायाबूसा भी चलाता था, ये भी चलाता है, बाकी मजा आ रहा है स्क्रीन पे, मजा आ रहा है कि नहीं, इसको आराम से चलाएंगे भाई, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, नहीं कर पाऊंगा भाई इसको कंट्रोल। जानवर है भाई, शेर है शेर। अभी शांत है क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट तो लगने दो, पता लगेगा भाई, एग्जॉस्ट लगने दो एक बार, पता लगेगा आप लोगों को भाई ये क्या चीज है। पहले तो भाई इसकी पावर को करेंगे ऑफ, क्योंकि भाई बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। यहाँ से इसके पावर को करेंगे ऑफ, राइडर मोड पे आ गया, व्हीकल सेटिंग, और यहाँ पे राइडर मोड को हम लोग करते हैं भाई यहाँ से ऑफ। राइडर मोड को ऑफ हो गया है, हाँ जी, काफी अच्छे। ओके यस, ठीक है, चलो ओके ब्रदर, चलिए। भाई इसको रोड मोड में बाइक को डाल दिया क्योंकि पावर अनकंट्रोल थी भाई, अनकंट्रोल, मुझसे संभल नहीं रही थी बाइक, पावर को कम कर दिया अभी इसीलिए। नहीं है यार इसके सामने कोई बाइक नहीं है, इसी में मजा आ रहा है इतना ज्यादा, क्या बोलूं भाई आप लोगों को मैं। तो अभी भाई के एग्जॉस्ट आ रहा है बस 2-3 दिन में फिर तो तहलका मचने वाला है। थोड़े से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट, क्योंकि यार बिना एग्जॉस्ट के मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, साउंड तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं भाई घर, व्लॉग को करते भाई ख़त्म। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10R पे और व्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। ओ पापू तेरी गल मैनू आज भी है याद।